फर्स्ट विजिट देव आशीष, अब इसके बाद देखते हैं आप हो सकते हो कांटेक्ट तो करो। सही बता रहा हूँ, उत्तराखंड आइए और बोर तल्ला जरूर आइए क्योंकि ये जगह कुछ मैजिकल है। अपने ही तो लग रहा है, मजा आ रहा है अभी भाई। ज्यादा तो मुझे अगर कुछ एक्साइट करता है तो आपके सामने ये मुझे, नहीं तो आप सबको दिक्कत होती है कि कैसा है, कितना दूर है, क्या है, वो चीज मैं अभी दिखा रहा हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो बढ़िया हूँ। तो रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के मान लो, ठीक है, सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं आनंद विहार के लिए। फिर वहां से फर्स्ट टाइम मैं जाऊंगा इतनी रात को, कहाँ के लिए? अपने उत्तराखंड के लिए। वीडियो में दिखने वाला है आपको कि मैं फर्स्ट टाइम अपने साथ एक विजिटर को लेके जाऊंगा, मेरा दोस्त है, कलीग है, ठीक है, उनको लेके जाऊंगा। पर वो मैं नहीं हूँ, पर ठीक है, पर वो ये नहीं है, ये भी मेरा कलीग है, दोस्त है, पहाड़ी है, ठीक है, ये तो जानते हैं पहाड़ों के बारे में, पर एक है कि जो नॉन पहाड़ी है उनको कैसा लगता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको मिलाऊंगा जब आनंद विहार हम पहुंच जाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड के लिए। जब आपको जाना होता है तो आनंद विहार से बस भी लेना होता है, ठीक है, अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं। अब मैं आपको मिला तो अपने दोस्त फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, ये उत्तराखंड। अब इससे पहले देहरादून जा रखा है, पर विलेज, ठीक है, हमारे गांव में बोर तल्ला में फर्स्ट विजिट होगा देवाशीष का। आप कहां से बिलोंग करते हो? मैं बिहार पटना से बिलोंग करता हूं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, इतना एक्साइटेड हूं कि मैं कैमरा पे बता नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ठीक है, अभी मैं यहां पर थोड़ा शोर हो रहा होगा, आई एम रियली सॉरी। अब सीधा चलते हैं बस को ढूंढने के लिए। कहां की? रामनगर की। चलो रामनगर की ढूंढते हैं अभी, आ जाओ। 135 नंबर रामनगर मुरादाबाद, पर रामनगर है उत्तराखंड में तो हम उसमें जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं, मिल तो नहीं रही बस, पर बता दिया है कि 5 बजे तक आ जाएगी, पर अभी हम 4:30 बजे पीछे खुफिया अड्डे में जा रहे हैं और ढूंढने के लिए कि कहीं से बस मिल जाए और 2 सीट मिल जाए। पर इतनी सुबह मेरे हिसाब से तो मिल जानी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, हाँ मिल जाएगी। पर उधर देखा रामनगर में 135 क्या लिखा हुआ था ऊपर नंबर और नीचे कितने लोग थे। ये तो इसलिए जरा कश्मकश बहुत है, थोड़ा जुगाड़ बिठाना पड़ता है और बैठा के सीधा पीछाना होता है और देखना होता है कि बस आ रही होगी तो चढ़ जाओ, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, बोर तल्ला आना चाहते हैं तो जरूर आ जाएं। ये क्विक व्यू बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप आ सकते हैं। जैसे सुबह सुबह की बस पकड़ ली और रामनगर पहुंच गए 11-12 बजे तक, और बल्लू भाई की गाड़ी में या जो भी गाड़ी जाती है बोर तल्ला तक, तो उनकी 1-2 बजे की गाड़ी में आराम से बोर तल्ला चले जाओ, 3-3:30 बजे तक पहुंच जाओ। वो तो भैया कल पहुंचेंगे तो इनको दिख जाएगा, पहले बस तो ढूंढ लो। सो ये जो बस आपको दिख रही है ये जाती है नेपाल तक, ये अभी नेपाल से आ रही है। तो भैया भसड़ आज कुछ ज्यादा ही भसड़ है, आनंद जा रहा हूँ। आनंद इधर आओ, देवानंद आइए आइए। सो यार अभी देखो बस रुकी हुई है गढ़ मुक्तेश्वर से थोड़ा सा आगे और गजरोला से पहले, तो यहाँ पर हमेशा रुकती ही है। अभी ये है नवीन यात्री प्लाजा शिवम टूरिस्ट ढाबा, बाकी गजरोला भी अभी थोड़ी देर बाद आया, कितनी बारी तो गजरोला में रुक रखे, ठीक है। जो उत्तराखंड की बस है वही आपको सामने दिख रही है, इसमें अभी हम जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे है, तो हाईवे में बिल्कुल बीच में या साइड में ऐसे ज़्यादा ना चलें, इसलिए मैं साइड से ही आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। हमने देख लो, ये रामनगर की मार्केट मेन रोड और यहाँ पर एमपी ग्राउंड है, यहीं पर गाड़ी खड़ी होती है बोर तल्ला की। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ रामनगर और अभी बल्लू भाई की गाड़ी कर रखी है और उसमें अभी जाएंगे बोर तल्ला के लिए। जा रही है बोर तल्ला के लिए गाड़ी बल्लू भाई की, इसमें नंबर आपको आ रहा होगा, इस गाड़ी में आप आ सकते हैं दिन में और जा सकते हैं। मेरे बल्लू भाई का नंबर आपको दिख रहा होगा और गाड़ी नंबर भी दिखा देता हूँ, ये रही, इसमें आप आ सकते हैं बोर तल्ला, बोर रामनगर, रामनगर टू बोर, और ऑल ओवर द जहाँ पर भी उत्तराखंड जाना हो। तो सर कैसा लग रहा है आपको बताइए? मजा आ रहा है अभी फिलहाल तो, अभी भी 1.5 घंटा है, अभी भी 1.5 घंटा कोई नहीं है, चलेगा बहुत दौड़। अभी कैमरे के पीछे तुम कह रहे थे कि भाई यार अभी भी 1.5 घंटा है ये ज्यादा कुछ भी है कुछ भी पर कोई नहीं। देखो ये वाली गाड़ी जाती है दिन के टाइम, अच्छा 12-2 के बीच में बल्लू है की गाड़ी, और भी गाड़ियां जाती है, 4-5 गाड़ियां, पर ये हमारे गांव की ही गाड़ी समझो, है ना, तो बल्लू भाई की गाड़ी है। तो इस जो नंबर है ये आपको दिख गया होगा, इससे आप कॉल करके आराम से आ सकते हैं।
देखो आपको मैं बता देता हूँ, मैं अभी नीचे वाली रोड से आया हूँ, वहां से मोहन और दुर्गा देवी गेट से, ठीक है। यहाँ से रास्ता, ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक मड़चुला के लिए जा रहा है और एक ये वाला रास्ता जा रहा है, शैलदे लिखा हुआ है जिसमें, ठीक है। ये रास्ता जाता है हरडा के लिए, तो अब यहाँ से हरडा आराम से आ सकते हैं और बोड़तल्ला के लिए बगेडन से नीचे आप भोनखाल से नीचे नीचे आप गाड़ी से आ सकते हैं, ठीक है। और ये प्लेस में आप आराम से आएँ, अपनी गाड़ी में भी आ रहे थे थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पीछे जो दिख रहा है ना, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, आप कह सकते हैं। जब भी कोई गाड़ी वाड़ी जैसे रह जाती है ना रात में, तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और फॉरेस्ट के जो भी गार्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं। और ये देखो, ये रास्ता जो जा रहा है बैक साइड में, ये रास्ता कहाँ पर जाता है, जड़गांव के लिए जाता है। अगर इधर 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 अगर यहाँ से जाओगे जड़गांव, और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, अगर इधर पीछे आपको घर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या होता है कि जैसे कि ना कोई भी समझ लो कोई टूरिस्ट पर आया, या फिर समझ लो कि कोई फॉरेस्ट गार्ड आए, तो उनके जो ड्राइवर है ना वो रहते हैं इधर, ठीक है। जो उनके ड्राइवर है यहाँ पर रहते हैं, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं ऊपर, ठीक है। और ये जो जगह है ये है चिमटा खाल है। और आपको मैं बता दूँ, बोड़तल्ला आने के लिए जब आप रामनगर से आ रहे हैं तो बीच में मोहन आएगा, धनगढ़ी आएगी, ठीक है। मोहन से दो रास्ते जा रहे होंगे, उसमें से लेफ्ट वाले रास्ते में आप जाइए, वहाँ से आप सीधे सीधा गए, फिर जाते जाते आपको दिख जाएगा दुर्गा देवी गेट, आपको पता ही होगा। तो वहाँ से सीधा आप जाएंगे तो आपको पॉइंट दिखेगा इधर की साइड, जो आता है दो कट जाते हैं, मड़चुला का वे जाता है एक सीधा 5 किलोमीटर, और शैलदे का राइट साइड जो हरडा के हरडा वाला वे, तो ये वे दिखी जाता है आगे, और बोड़तल्ला पहुँच जाओगे जब यहाँ से सिर्फ 10-12 किलोमीटर आगे, और भोनखाल से पहले आता बगेडन, और वहाँ से तुम नीचे आ सकते हो बोड़तल्ला के लिए। आपको बता दूँ, जब भी आप हरडा के लिए आ रहे हैं, मतलब हरडा की रोड पे आप आ रहे हैं, नीचे आपको बोड़तल्ला जाना है, ये रास्ता आपको दिख जाएगा जिसमें लिखा है अजोली कल्ली अजोली मल्ली, देख लो 4 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है अजोली कल्ली, इससे 2 किलोमीटर आगे अपना बोड़तल्ला आ जाएगा, अपना बोड़तल्ला, ठीक है। आना चाहते हो तो आओ, इस रास्ते से आप नीचे से आ सकते हो। ये ऊपर वाला जो रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है भिक्के से के लिए, हरडा के लिए, भरोहर जाता है मछोड़ के लिए, पर ये नीचे वाला रास्ता जाता है अपने बोड़तल्ला के लिए, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, कवर कर दिया कि आप आराम से आ सकें, ठीक है। ज़रूर आए, अपनी व्हीकल से भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको, कॉन्टैक्ट आपको मैंने बताया। अजोली पहले आता है, फिर कपसुली भी आता है, बड़ेद भी आता है, फिर उसके बाद आता है बोड़तल्ला, ठीक है। तो आप आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। जैसे कि मेरे साथ कौन है, आशीष आ रखा है। तो आशीष भाई कैसा लग रहा है अभी तक? तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले जब वहाँ से आ रहे थे तो थोड़ा सा मतलब हेवी हल्का फील हो रहा था, लेकिन उत्तराखंड आपको पता है मैजिकल जगह है, और यहाँ के जो रोड्स और इनकी हवा इतनी प्योर है कि अब मन एकदम हो रहा है कि बस जल्दी से पहुँचे और ट्रैकिंग कर दे। ट्रैकिंग भी सो जाए? नहीं नहीं नहीं, इस पहाड़ी वाले आने रेंज आने के बाद आपकी जो उबासी और वो है वो दूर हो जाती है। और सही बता रहा हूँ, उत्तराखंड आइए और बोड़तल्ला जरूर आइए, क्योंकि ये जगह कुछ मैजिकल है अपने ही में। ये बात मैं बोल रहा हूँ, मैजिक है उत्तराखंड। अभी पहुंचे भी नहीं है, अभी से मैजिकल लग रहा है, अभी पहुंचने दो। और बोड़तल्ला आने के लिए 9691886998 पे कॉन्टैक्ट जरूर करें, ठीक है। फर्स्ट विजिट देव आशीष, अब इसके बाद देखते हैं, आप हो सकते हो कॉन्टैक्ट तो करो। गाड़ी ये है, गाड़ी का नंबर भी आपको दिख रहा है, और छोड़ो हाई बोल छोड़ो। पहुँच गए हैं बोड़तल्ला, ये गाड़ी जा रही है, आप पार्किंग में लगा सकते हैं इधर, और वो यहाँ से बोड़तल्ला का रास्ता आ जाता है ऊपर जाने का, देखो गढ़ जाने का। बता दूं आपको, बोड़तल्ला जब आप आते हैं ना, तो ये रोड, ठीक है, रोड के यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोड़तल्ला, ठीक है। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जाने का, और सामने आपको गांव दिख रहा है, वो देखो, सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 मीटर, 100 और 150 मीटर्स आपको सिर्फ फुटस्टेप चलने, आप पहुँच जाओगे ऊपर बोड़तल्ला, मेरा एक घर, ठीक है, द बेस्टेंस के घर बोड़तल्ला, ठीक है। ये दिखाना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप सबको दिक्कत होती है कि कैसा है, कितना दूर है, क्या है, वो चीज़ मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी भी आ सकती है, वो सामने गाड़ी दिख रही है, वो देखो उसमें आए हम, वो जूम करके दिखाने की गाड़ी उसमें आ रखे हैं, तो अगर आपको उसमें आना हो तो उसमें भी आ सकते हैं, और पर्सनल आपकी पर्सनल में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सीधा घर चलते हैं, घर में तो कोई नहीं है, मैं देवाशीष को भी आज दिखाता हूँ अपना घर, ठीक है। और आपको वीडियो में दिखेगा कि कैसा घर है, क्या है, और क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है, वो सब आपको दिखेगा, ठीक है। और फ्यूचर प्लान्स भी हैं कुछ, आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, चलो चलते हैं। तो लग रहा है मज़ा आ रहा है अभी भाई, ज़्यादा तो मुझे अगर कुछ एक्साइट करता है तो आपके सामने ये मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर देता है। ये तुम दूर से देखते होगे, अब तुम बिल्कुल पास से देखने वाले हो, तो है कि नहीं फीलिंग, और एकदम वो नहीं कहते एकदम, मतलब कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स,
कांट एक्सप्लेन इट, क्योंकि एक चीज होता है ना कि कोई, अब आप दूर से देख रहे हो कोई चीज, अब वो पास से देखोगे तो वो चीज देखने वाले हैं, और ये चीज आप भी देख सकते हो, ठीक है, दिख रही होगी वहां पर बाइक भी है और स्टैंड में भी आप लगा सकते हैं बाइक, और ये देखो यहाँ से हम आए वो एरिया और सामने आपको घर दिख रहा है, और जो एक जूम करके आपको दिखाता हूँ ये मेरी दादी का बनाया हुआ घर है, दूसरा वाला ऊपर जो दिख रहा है खिड़की, और ऊपर अपना गांव, तो आते 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 ये ट्रैकिंग पॉइंट आपको दिख रहा है जिससे आप विजिट कर सकते हैं मेरे घर। आइए, तुमको ये कितना दूर लगा के नीचे से आने में, क्या नीचे से ऊपर आने में दूर लगा क्या? नहीं सही है, है ना, आराम से आ सकते हैं, है ना, आप देखिए कितना पास है, अब जो मैं 100-150 मीटर कह रहा था इतना लग भी रहा है ना। तो ये आ गया मेरा घर, अभी देखो तारा लगा भाई, पहुंच गए भाई, ये घर अभी और अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। जब नॉन पहाड़ी आता है पहाड़ में तो उसका रिएक्शन क्या होता है? बाकी कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? रेटिंग कितना देना चाहेंगे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मैं 4 तक, स्टार्टिंग ही में 4 मैं कर रहा हूँ। 4? हाँ। 10 आउट ऑफ 10? 5। रेटिंग हमेशा 5 से शुरू होती है। ये बात सही। सो ये चीज भी दिखाना जरूरी है कि कैसा रिएक्शन होता है, क्या होता है। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा जिसमें मैं दिखाऊंगा रूम्स और आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं और कैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसी के लिए बने रहें इस ब्लॉग में, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।